वेलकम टू द अनदर वीडियो लेक्चर तो आज जो मैंने आपके लिए ये वीडियो लेक्चर लाया है तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी हम बायोमोलिक्यूल्स के हमने टॉपिक पढ़े हैं 9.1 से लेकर 9.8 तक हम पहुंच गए हैं तो जो भी क्वेश्चंस उसमें बनते हैं और एन से बनेंगे वो क्वेश्चन तो उनको हम क्या करेंगे डिस्कस अप करेंगे तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन जो पहला ही क्या है नाइन से लिया गया है मतलब ये क्वेश्चन नाइन पॉइंट वन से है तो पहला क्वेश्चन है द इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट फॉस्फेट एटसेट्रा आर फाउंड इन तो किस में पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट फॉस्फेट तो इसकी जब हमने एनसीआरटी की रीडिंग की थी तो डायरेक्टली हमें यहां पर जाना होगा हाउ टू एनालाइज देखो हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन और यहां पर है देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली कहां से उठाया है डायरेक्टली एनसीआरटी से उठा गया है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट फॉस्फेट एटसेट्रा आर आल्सो सीन इन द एसिड दोलबल फ्रैक्शन तो आंसर आंसर हम देखेंगे इसका इसका सिंपली हम लगा देंगे एसिड फ्रैक्शन तो बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन बन गया क्योंकि हमने जब जब हम एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से करेंगे द सम टोटल कंपोजिशन ऑफ द एसिड सोलबल एंड एसिड इनसॉलबल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इज द एंटायर कंपोजिशन ऑफ तो जो कह रहा है कि सम टोटल ऑफ द कंपोजिशन ऑफ एसिड सोल्वल एंड एसिड इनसॉल्वल फ्रैक्शन तो एक लिविंग टिश्यू में दोनों चीजें होती है एसिड सोलबल और एसिड इंसॉलबल चीजें भी जब जो एसिड सोलबल पूल में पाई जाती है या एसिड इंसॉलबल पूल में जा पाई जाती है वो रिप्रेजेंट किसको करेंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी सेल्यूलर पूल को दैट मीनस एक सेल के अंदर एक टिश्यू के अंदर ये एसिड सॉलबल वाली चीजें भी होती है और एसिड इंसॉल्वल वाली भी चीजें होती है तो इसका आएगा सेल्युलर पूल ठीक है और ये भी कहां से ये भी एन से ही है कि एसिड सॉलबल और एसिड इंसॉलबल फ्रैक्शन जो है ये सिंपली किसको रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है एंटायर एंटायर सेलुलर पूल को ही ये रिप्रेजेंट कर देता है इतनी बात, ठीक है तो उसके बाद है अनदर क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स आर क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स आर तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ओनली ऑर्गेनिक मटीरियल ओनली ऑल द कार्बन कंपाउंड ऑबटेनिंग फ्रॉम द लिविंग टिश्यू देखो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं अगर हम देखेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है बायोमोलिक्यूल सिंपली होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते, है? होते हैं दे आर सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये सिंपली क्या होते हैं देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बायोमालिक्यूल्स एंड फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बायो मोल्स जो होते हैं दे आर बेसिकली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये और यहाँ पर देखो एडेंटिफाइ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सेपरेट कंपाउंड्स फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड्स। तो दैट मीन्स हमें हर कहीं पर क्या दिखाया गया है बायो क्या होते हैं दे आर बेसिकली दर्गेनिक कंपाउंड आल द कार्बन गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज द बायो ऑर्गेनिक आर्गेनिक तो है देखो यहां पर है क्वेश्चन क्या है बायो आर इन आर्गेनिक मटीरियल ओनली आर्गेनिक मटीरियल ओनली ऑल द कार्बन कंपाउंड फ्राम द लिविंग टिशू तो देखो कोई लिखेगा ऑर्गेनिक मटेरियल्स मटीरियल ऑर्गेनिक होते हैं बट दे आर बेसिकली द ऑल द कार्बन कंपाउंड्स ऑपटेनिंग फ्रॉम द लिविंग टिश्यू तो आंसर हमारा तीसरा बन जाएगा उसके बाद क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ शोन इन फिगर तो ये किसका स्ट्रक्चर है तो ये देखो ये सिक्स साइडेड फिगर है ये फाइव साइडेड रिंग है तो ये है पेंटोस शुगर ठीक है और ये क्या ये है ये हैगजोस दैट मीन्स हैग्जोस शुगर और पेंटोस शुगर तो हम कहेंगे यहाँ पर लिखा गया है फ्रैक्टोस राइबोस फिर क्या लिखा है ग्लूकोज डेऑक्सी रेबोस एंड राइबोस गुलकोज़ एंड राइबोस अगर हम देखेंगे राइबोस का स्ट्रक्चर तो राइबोस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे और ग्लकोज का तो गुलकोज का स्ट्रक्चर हमने देखा था यह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ठीक यह है राइबोस का स्ट्रक्चर तो ये राइबोस ये ग्लकोस तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन उसके बाद आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कौन सा अमाइनो एसिड यहाँ नीचे दिया गया है सी एच थ्री किस में था सी एच थ्री एलानिन में होता है एच किस में होता है साइड चेन में ग्लाइसिन में और सी एच टू एच किस में होता है सेरीन में तो ये हो गया कौन सा एलानिन ये हो गया ग्लाइसिन और ये हो गया सेरीन ठीक है तो कहाँ पर है ऑप्शन के एलानिन ग्लाइसिन और इतनी बात उसके बाद है द द्वेंटी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैव डिफरेंट किस पर है दो ट्वेंटी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स उनमें क्या होता है उनमें डिफरेंट आर ग्रुप्स होते हैं दे हैव डिफरेंट आर ग्रुप्स तो देखो ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कहां से है ये क्वेश्चन बने हैं कहां से एनसीआरटी से ही तो उनके क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट एमाइनोसिड्स है, होते हैं उनके डिफरेंट आर ग्रुप्स होते हैं ठीक है तो आर ग्रुप्स पर ही बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बन गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच करेक्ट मैच क्या हो सकता है एसिडिक एमाइनो एसिड बेसिक एमाइनो एसिड एंड न्यूट्रल एमाइनो एसिड तो देखे पहले हम एमाइनो एसिड पर आएंगे जो हमने पढ़े हैं अगर हम एमाइनो एसिड पर आते हैं तो यहां पर एमाइनो एसिड्स पर पहले हम नजर मारेंगे यहां पर देखो एमाइनो एसिड्स एसिडिक एमाइनो एसिड कौन है गुलटामिक एसिड ठीक है और उसके बाद बेसिक कौन है लाइसीन और न्यूट्रल कौन है वैलीन ठीक है न्यूट्रल है वैलीन और बेसिक कौन है लाइसीन देखो यहां पर देखो आप एसिडिक कौन है गुलटामिक बेसिक कौन है बेसिक कौन है लाइसीन और न्यूट्रल कौन है वैलिन तो दैट मीन्स पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है क्योंकि वैलीन क्या है वैलीन एक न्यूट्रल है तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है

अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डबल बॉन्ड्स ठीक है फैटी एसिड्स कुटेड विदाउट डबल बॉन्ड्स अनसेमेटिको दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल इज बेसड ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑयल इज हैव लवर मेल्टिंग पॉइंट दैट इज जेंजर एंड हैटीफाई फैट उसके बाद दिखाया देखो लिपिडस ये तो हो गया ये तो दैट मीन्स ये तो एन सी आर टी से ही है तो लिखा है क्या सेच्योरेटिव फैटी एसिड उस सिंगल सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एंड आर सॉलिड साइड टेपरेचर ये मेनली क्या होते हैं सॉलिड्स होते हैं रूम बेटा तो फॉलो हैंचर फैटी एसिड देखो सैचुरेटिव फैटी एसिड कौन है ऑयलिक लेनोलिक आर्किडॉयिक एंड पामेटिक पामेटिक तो होगा ही नहीं हाँ यहां पर देखते हैं देखो फैटी एसिड्स विद सच अनसेटेड फैटी एसिड्स है ठीक है और यहां पर देखिए आप कार्बन कार्बन हम्म नाइनटीन हु, कार्बन पामेटिक हैज सिक्सटीन कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप आर्किडाइनिक एसिड है ट्वेंटी कार्बन आर्किडाइनिक एसिड क्या है ये है इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं पामेटिक एसिड ये भी है और उसके बाद कौन सा हो गया उसके बाद हमें ऑप्शन में दिया गया है कौन सा ऑप्शन को ढूंढते हैं तो ऑप्शन में है ऑयलिक एसिड लेनोलिक एसिड आर्किडोनिक एंड पामेटिक एसिड तो इसका आएगा ऑइलिक एसिड ठीक इतनी बात तो इसके बाद ट्राई ग्लाइसराइड फैटी एसिड्स एंड एस्टर्स ऑफ द ग्लाइसोरॉल विच आर फॉर्मड बाय द एस्टरफिकेशन ऑफ तो ट्राई ग्लाइसाइड होते हैं फैटी एसिड्स एस्टर्स ऑफ किसके होते हैं ग्लाइसोरॉल के क्योंकि ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स बनाते हैं तीन तीन फैटी एसिड्स प्लस वन गलाइसोलॉल फार्म ट्राइग्लाइसराइड्स, विच आर फार्म एस्टरीफिकेशन ऑफ डायटे मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वन ग्लाइसोराल मॉलिक्यूल थ्री एंड वन तो सी